सोलर पैनल्स, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है एनर्जी के और ये कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं करते एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। अब अगर आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा है और अपने आसपास के सोलर पैनल्स देखे हैं तो आपने एक चीज नोटिस की हो चाहे ना की हो कि जो हमारे आसपास के सोलर पैनल्स होते हैं अर्थ पे वो ब्लू कलर के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सोलर पैनल है वो गोल्ड कलर के हैं। पर क्यों? आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल्स और अर्थ के सोलर पैनल्स में क्यों कलर का डिफरेंसेस है, क्या वो कोई पावर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ज्यादा या फिर किसी और चीज में हेल्प करते हैं, जानते हैं। लेकिन इस चीज को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं, तभी तो हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि कलर्स में डिफरेंस क्यों है। अब ये बेसिक तो आपको पता होगा कि सोलर पैनल सन की लाइट को यूज करके पावर प्रोड्यूस करता है। अब जो सोलर पैनल्स होते हैं वो फोटोन पार्टिकल्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो सन है वो हीलियम और हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जल रहा है और उसके कारण वो ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है। अब जो सन से एनर्जी निकलती है वो फोटोन पार्टिकल्स के रूप में निकलती है और वो 8.5 मिनट्स लेते हैं हमारी अर्थ पे आने के। अब जब जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी अर्थ पे आते हैं तभी जो ये सोलर पैनल्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करते हैं और एनर्जी को बनाते हैं। अब ये जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ सन के नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सन के ही फोटोन पार्टिकल्स हो, हमारे आसपास जितने भी स्टार हैं उनके जो फोटोन पार्टिकल्स आते हैं उनसे भी सोलर पैनल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट की वजह से होते हैं। ये जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है वो अलेक्जेंडर बेक्वेरल ने 19 साल की उम्र में इन्वेंट किया था। जब वो 19 साल के थे तब वो सिल्वर क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाए थे उस सॉल्यूशन में और ये ऑब्जर्व किया था कि जब लाइट उसमें स्ट्राइक करती है तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच और इसी मैकेनिज्म से सोलर पैनल्स काम करते हैं। और अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्यों कलर डिफरेंसेस होते हैं अर्थ के सोलर पैनल्स में और स्पेस के सोलर पैनल्स में। अब जो ब्लू सोलर पैनल्स होते हैं वो बने होते हैं सिलिकन के या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन से। ये दोनों चीजें मेनली यूज होती हैं एक सोलर पैनल को बनाने में। अब ये जो ब्लू कोटिंग होती है वो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है सोलर पैनल्स पे, जो सोलर पैनल्स को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा सन की लाइट को अब्सॉर्ब करने में। और जो ब्लैक सोलर पैनल्स होते हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के नाम से जाने जाते हैं और इनमें सोलर लाइट का अब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ब्लैक कलर के होते हैं और आपको पता है ब्लैक कलर में लाइट का अब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है सन की। अब ये जो सिलिकन यूज होता है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स में वो रॉ सिलिकन होता है जो मेल्ट कर दिया जाता है और ढांचे में डाल के बना दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, जो सिलिकन होता है वो अच्छे से मिलता नहीं है मोल्ड में, उसके कारण इंडिविजुअल सिलिकन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लू कलर के आने का। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ज्यादातर ब्लू पैनल्स ही बनाते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पे 90% ऑफ द सोलर पैनल्स आर ब्लू और सिर्फ 10% जो सोलर पैनल्स है वो ब्लैक कलर के हमें देखने को मिलते हैं। रीजन बहुत सिंपल होता है क्योंकि रॉ सिलिकन बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और चीप इन कॉस्ट होता है और बहुत इजी होता है इनसे ब्लू कलर के सोलर पैनल्स को बनाना और सेल करना। और अगर हम ब्लैक सोलर पैनल्स को देखें तो वो बहुत हार्ड होता है बनाना, उनको पैसा भी ज्यादा लगता है। हम बात करते हैं गोल्डन सोलर पैनल्स की जो हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में है और वहाँ एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है अगर हम सोलर पैनल्स को हटा दें, तो वहाँ का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो सोलर पैनल्स है बैटरीज के बाद, लेकिन बैटरीज भी सोलर पैनल्स की एनर्जी से ही चार्ज होती हैं। अब वहाँ के जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको एरेज बोला जाता है। हर एक सोलर पैनल 112 फीट लंबा होता है और 39 फीट चौड़ा होता है। अब नासा ने इनको एरेज नाम दिया है। इनको एरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेस्ट इन क्वालिटी होते हैं। दुनिया में जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनमें
में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का सोलर पैनल। ये गोल्डन कलर के सोलर पैनल है क्योंकि नासा ने इन्हें ऐसे ही बनाया है, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब जो सोलर अरेज होते हैं वो स्पेस स्टेशन के लाइफ कंट्रोल, सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का बेसिक होते हैं, मतलब उनका बेस होते हैं। उनके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है स्पेस स्टेशन में। नासा ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये जो सोलर अरेज हैं वो एक बार में कम से कम 84 से 120 किलोवाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये अरेज तब एक्टिवेट होते हैं जब ये ऑर्बिट में आते हैं सन के अगेंस्ट। अब ये जो गोल्डन सोलर पैनल्स होते हैं वो सन की इतनी तेज लाइट को सह सकते हैं, सोलर रेडिएशन को सह सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ तक नहीं आती हैं सन से, वो सारी चीज़ों को सह सकते हैं। और ये इतने हाई एंड के होते हैं इसीलिए इन सोलर पैनल्स को यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपकी वीडियो पसंद आए, इससे कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।